से है। मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के साथ में महिला ट्रांसलेटर मौजूद रही। महिला ट्रांसलेटर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वो काली ड्रेस में दिखाई दी और अब सभी का ध्यान यूं खींचा कि काफी अच्छी हिंदी वो बोलती हुई नजर आई। मोदी पुतिन की मुलाकात में साई की तरह साथ दिखे और जैसा आप जानते हैं ट्रांसलेटर वहां पुतिन जो कि रूसी भाषा में बोलते हैं और फिर उनकी बात को हिंदी में ट्रांसलेट करती हुई ये महिला ट्रांसलेटर दिखी। रूस की तरफ से रखी गई ये महिला ट्रांसलेटर जो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पुतिन की बातों को हिंदी में बता रही हैं ये ट्रांसलेटर। पीएम मोदी उनकी बात को गौर से सुनते हैं। पुतिन अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं रूसी में। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो कि पुतिन की बातों को हिंदी में सुन रहे हैं उन महिला ट्रांसलेटर के जरिए। यानी पुतिन एक एक करके अपने भाव व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं क्योंकि पीएम मोदी को अपने घर पर बुलाया था, डिनर पर इन्वाइट किया था, खुद पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। दोनों नेता वहां पर गले लगे और उसके बाद पहुंचे यहां इस सोफा पर जहां पर आमने सामने टेबल के इस पार उस पार बैठे हुए हैं पुतिन और मोदी और आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी दो दिन के रूस दौरे पर हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाहें फैलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ पर रविवार को राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सरकारी घर में पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं की जब पहली मुलाकात हुई तो उस दौरान एक महिला भी दोनों के साथ में दिखाई दी। महिला ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लोगों को जानने की उत्सुकता है कि आखिर ये महिला है कौन। पीएम मोदी और पुतिन के साथ में साय की तरह रही ये महिला आखिर है कौन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों नेता अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे। बातचीत करने पर ज्यादा यकीन उन्हें है कि अपनी अपनी भाषा में बोलें और दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाएं। दोनों नेताओं के बातचीत के दौरान एक दूसरे की बात को समझाने में कोई परेशानी ना हो इसीलिए महिला ट्रांसलेटर यानी कि द्विभाषीय को रखा गया। दोनों नेताओं के साथ महिला ट्रांसलेटर बैठी हुई नजर आई जो कि पुतिन की बातों को हिंदी में दोहराती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि महिला रूस की तरफ से रखी गई थी जो पुतिन की बातों को हिंदी में पीएम मोदी के सामने बता रही थी। पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान इस महिला के अलावा भी अनुवादक रखे गए थे। कुछ अनुवादक भारत की तरफ से भी थे यानी कि इधर से जब पीएम मोदी बोलते थे तो उनकी भाषा को भी पुतिन तक समझाने के लिए लोगों को रखा गया था। लेकिन ये जो महिला ब्लैक कलर की ड्रेस में आपको दिखाई दे रही हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत से कमेंट्स किए और ये पूछा कि भाई पुतिन और मोदी की ये जो मुलाकात थी जो कि अनौपचारिक थी, ये पुतिन ने भी जिक्र किया था कि अनऑफिशियल ये मीटिंग आज हमारी हो रही है। यानी कि बीते दिन की ये तस्वीर है जब अनऑफिशियल मीटिंग में मिले पुतिन और मोदी और ब्लैक कलर की ड्रेस में ये महिला साथ साथ में चलती हुई आपको नजर आ रही हैं जो कि साथ में बैठी पुतिन के ठीक बराबर में वो बैठी। और अब जैसे जैसे राष्ट्रपति पुतिन के जरिए अपनी बातें कही गई ये महिला उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करती हुई दोहराती हुई पीएम मोदी के सामने नजर आए जिस पर पीएम मोदी ने अपने भाव बताए और अपनी तरीके से हिंदी में ही अपनी राष्ट्रभाषा में ही जवाब दिया। पुतिन ने भी अपनी राष्ट्रभाषा रूस में बात की, रूसी में बात की और इधर पीएम मोदी भी अपनी बातें हिंदी में कहते हुए नजर आए। और ये देखिए ब्लैक कलर की ड्रेस में ये जो महिला है ये साथ साथ में चलती हुई और साथ में दोनों की मुलाकात